नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन। देखिए, हमने पहले इसमें कंडक्शन ऑफ हीट देखा जो सॉलिड में से होता है, उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट देखा जो लिक्विड या गैस में हमें देखने को मिलता। हमने एक एग्जांपल भी दिया था। अब देखिए, जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, एक करंट पास होता है। यानी देखिए, हम पानी को नीचे से गर्म कर रहे हैं। एक बार ये रिपीट करता हूँ ताकि आपको जो एक्सपेरिमेंट हम आज सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन, वो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। हमने प्रीवियस इसमें क्या देखा, पानी जब हम नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी जो है वो सबसे पहले गर्म होता है। पानी गर्म होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होना मतलब वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से ये ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर का पानी जो भारी है वो नीचे आता है। यानी ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, एक करंट डेवलप हो रहा है। और जब करंट डेवलप होता है तभी हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, तभी हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। अगर यहाँ पे हीट करंट डेवलप नहीं होगा तो हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, एक बर्नर दिया है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली है आपने, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को जो है वो ऐसा है, और टेस्ट ट्यूब को आपने जो है वो एक होल्डर से पकड़ के रखा है, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है पकड़ने के लिए। इसमें आपने पानी फिलअप किया है, क्या फिलअप किया है, पानी। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, पानी लिया है। अब पानी जो है वो हम जो है, सॉरी ये मैंने डायग्राम गलत निकाली, ये डायग्राम ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे पानी है और एक आइस डाला है, और उसको वायर गॉज जो है वो उससे रैप किया है। अब वायर गॉज किस लिए, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो है वो कम होती है तो वो पानी में तैरता है, तो उसी लिए हमने इसको एक वायर गॉज या कपड़ा भी गुंडार सकते हैं, कपड़ा रैप कर सकते हैं, ताकि ये जो बर्फ है ये नीचे जो है वो सेटल डाउन हो सके। समझ में आ गया, किस लिए किए है वायर गॉज, किस लिए हमने इसको रैप किया है, कि ये बर्फ जो है वो नीचे रहना चाहिए। और आपने इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर को ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के होल्डर से, इस टेस्ट ट्यूब को। अब देखिए, यहाँ का पानी जो है वो गर्म होना स्टार्ट होगा। हम पानी को गर्म कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, नीचे से नहीं कर रहे हैं। अब नीचे से नहीं कर रहे हैं, पानी यहाँ से गर्म कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो गर्म हो रहा है। तो होगा क्या कि ये जो पानी हम गर्म कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है वो ऊपर चला आता है। हमने यहाँ पे देखा था कि नीचे वाला पानी गर्म होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर का पानी नीचे आता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ जो है इसको गर्म किया, ऊपर की तरफ गर्म करने की वजह से ये जो पानी है ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। अब नीचे नहीं आएगा तो नीचे का पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो करंट जो डेवलप हो रहा था, करंट यानी क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं, नीचे का पानी ऊपर जाना और ऊपर का पानी नीचे आना, इसको हम करंट बोलते हैं, करंट ऑफ कन्वेक्शन। पर वो यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जा, ये ऊपर का पानी गर्म होने की वजह से ये पानी ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये आइस जो है वो जैसे का वैसे रहेगा, ये पानी जो कूल था वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, ये गर्म नहीं होगा। तो यही रिलेशन यहाँ पे डेंसिटी के बारे में देखा है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी डेंसिटी, जब पानी को हम हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से वो ऊपर जाता है। अगर हमने ऊपर का ही पानी डायरेक्ट गर्म किया तो वो नीचे नहीं आता, उसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। यही यहाँ पे दिया है। देखिए, अपराटस क्या क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब, पीस ऑफ आइस, वायर गॉज, वायर गॉज यानी एक वायर कैसी गॉज होती है, जैसे हम कपड़ा वगैरह, हम जो फ्रूट्स वगैरह परचेस करते हैं ना, तो उसमें होता है ना वो रैप किया हुआ, उसी तरह का होता है। बर्नर और एक कैंडल चाहिए, ठीक है, ETC। प्रोसीजर, टेक सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें पानी ले लिया, ठीक है, रैप द पीस ऑफ आइस इन वायर गॉज एंड ड्रॉप इन द टेस्ट ट्यूब। इसमें पानी लेने के बाद एक टेस्ट ट्यूब आइस लिया, इसको रैप किया और ये छोड़ दिया। इट इज टेस्ट ट्यूब, इट विल सिंक द बॉटम। तो ये बॉटम में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, क्लियर। नाउ यूजिंग द टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्ड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब होल्डर से की मदद से आपको इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है। अब किस प्रकार से पकड़ना है, जैसे फिगर में दिया है कि यहाँ पे जो बर्नर है वो जल रहा है और ऊपर का पार्ट हम सिर्फ गर्म कर रहे हैं। हीट द अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब, हमने नीचे वाला पार्ट गर्म नहीं करना है, हमें ऊपर वाला पार्ट जो है वो गर्म करना है। स्टॉप हीटिंग व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और हीट जो है वो स्टॉप करना है जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम, और उसी समय हमें ये पीस जो है आइस का उसको जो है वो ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम, द हीट डज नॉट रीच द बॉटम। तो हीट जो है वो बॉटम पे रीच नहीं होगी, यानी पहुंचती नहीं, इवन दो द अपर पार्ट इज हीटेड। भले अपर पार्ट हीट हो रहा है पर वो नीचे तक क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये सारा खेल होता है डेंसिटी का। क्योंकि जब ऊपर का पानी गर्म है, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, डेंसिटी कम होने की वजह से ये नीचे नहीं जाएगा।
द हीट डज नॉट रीचेज द बॉटम इवन द अपर पार्ट इज हीटेड, हाउ डज हैपन, द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू हीटिंग। तो हीट करने की वजह से क्या होता है, वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, देयरफॉर इट कैनॉट सिंक एंड द प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर। तो ये नीचे की तरफ नहीं जाता और कन्वेक्शन जो है वो ऑकर नहीं होता। कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब डेंसिटी जिसकी, देखिए सिंपल कंसेप्ट है, समझ में नहीं आया तो देखिए सिंपल कंसेप्ट है, वाटर को हीट किया, डेंसिटी वाटर की कम हो जाती है, डेंसिटी कम होना मतलब वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, डेंसिटी कम होती है। अब ऊपर का ही पानी अगर हम गर्म करेंगे तो इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो कन्वेक्शन करंट डेवलप नहीं होगा और हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है, डेंसिटी उसकी कम ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। अगर हम अपर पार्ट के वाटर की हीट करते हैं तो जो डेंसिटी है वो ऊपर के वाटर की ही कम होगी और वाटर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप नहीं होगा और हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी भी क्या इंपैक्ट डालती है हीट ट्रांसफर पे। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।